हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि साइन के बारे में, साइन और साइन इनवर्स के बारे में डिस्कस किया कि कैसे हम उसको उसके एंगल्स को चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे कोस और कोस इनवर्स के बारे में। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मैंने ये कोस इनवर्स 3 और एक और एग्जाम्पल लिया मैंने कोस इनवर्स कोस और यहां से एंगल ले लिया मैंने 5/2 और एक और मैंने एग्जाम्पल ले लिया कोस कोस इनवर्स कोस और एग्जाम्पल और ले लिया मैंने दैट इज 3π/4। फिर अब यहां पे ये कोस है, ये कोस इनवर्स है, मतलब मैंने इससे पहले एक और एग्जाम्पल ले लिया मैंने कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स है कोस इनवर्स कोस एक्स। अब इसका आंसर एक्स आएगा, इसका भी आंसर एक्स आएगा। वो आंसर एक्स कब आएगा? जब ये एक्स किस रेंज में लाई करेगा? कोस की रेंज में लाई करेगा। तो यहाँ पे ये कोस और ये इसकी डोमेन है और इसका आंसर क्या आएगा? एक्स आएगा और वो एक्स कोस की रेंज में लाई करेगा। कोस की रेंज क्या है? -1 से लेके 1। क्लियर? दोबारा डिस्कस करते हैं इसको। ये कोस है, ये उसकी डोमेन है, ये उसकी रेंज है। कोस की रेंज क्या है? एक्स, मतलब कोस का जो आंसर आ रहा है वो एक्स आ रहा है और वो एक्स आंसर इस रेंज में लाई करना चाहिए। किस रेंज में? कोस की रेंज में लाई करना चाहिए। मतलब इसका आंसर किस रेंज में आएगा? -1 से लेके 1 के बीच में आएगा। तब हम कह सकते हैं कि उसका आंसर क्या आएगा? एक्स आएगा। ऐसे यहाँ पे कोस के कोस इनवर्स कोस एक्स, इसका आंसर क्या है? एक्स आया। वो एक्स आंसर कब आएगा? जब वो एक्स कोस की कोस इनवर्स की रेंज में लाई करेगा। मतलब ये आंसर एक्स कब आएगा? जब ये एक्स कोस इनवर्स की रेंज में लाई करेगा। कोस इनवर्स की रेंज की 0 से लेके 5 तक। क्लियर? मतलब हमें चेक करना है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स कौन सी है और वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का जो आंसर आ रहा है वो उसकी रेंज में है या फिर नहीं है। लास्ट वीडियो में भी आपको साइन के बारे में बताया था। अब एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं इसके। जैसे कोस का एग्जांपल है कोस और कोस इनवर्स 3, इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। अब हमें चेक करना है क्या ये 3 कोस की रेंज में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। कोस की रेंज के -1 से लेके 3 तक, मतलब जो 3 है वो कोस की रेंज में लाई नहीं कर रहा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इट्स आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हम 3 को तो चेंज करना पॉसिबल नहीं है। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होता है उसको चेंज करते हैं, बट 3 को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। या मैंने एक और एग्जांपल लिया कोस इनवर्स 1/2, तो उसको सॉल्व करके क्या आएगा? 1/2 आएगा। और हम चेक कर सकते हैं वो 1/2 कोस की रेंज में लाई करेगा। कोस की रेंज के -1 से लेके 1 तक, तो 1/2 वो क्या करेगा? कोस की रेंज में लाई करेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। हमें चेक करने की यहाँ पे कोस है, साइन है, साइन इनवर्स है, क्या है उसकी हमें रेंज देखनी कि उसकी रेंज में है या फिर नहीं है। जैसे यहाँ पे कोस इनवर्स कोस 5/2, तो उसका आंसर क्या आएगा? 5/2 आएगा। अब मुझे चेक करना है क्या 5/2 कोस इनवर्स की रेंज में लाई करता है नहीं करता। कोस इनवर्स की रेंज क्या है? 0 से लेके 5 तक। तो हम चेक कर सकते हैं कि 5/2 0 से लेके 5 तक लाई करता, मतलब इसके बीच में ही लाई करता, क्योंकि कोस इनवर्स की रेंज के 0 से लेके 5 तक और जो कोस इनवर्स का आंसर आया 5/2 वो 5/2 0 से लेके 5 तक लाई करते हैं। क्लियर? ऐसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसका आंसर क्या आएगा? 3π/4। अब मुझे चेक करना है क्या 3π/4 कोस इनवर्स की रेंज में लाई कर रहा है नहीं कर रहा। कोस इनवर्स की रेंज क्या है? 0 से लेके 5 तक। तो हम चेक कर सकते हैं कि 3π/4 0 से लेके 5 तक लाई कर रहा है। क्लियर? अब हम एक और एंगल ले लेते हैं, वो एंगल इस रेंज से बाहर ले लेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया कोस इनवर्स कोस, अब 180 से बाहर कोई भी एंगल ले लेंगे। मतलब मैंने ले लिया 225 ले लिया, 225 को राइट कर देंगे पाई के फॉर्म में, यह आ जाएगा 7π/4 आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि पाई बाय फोर क्या आएगा? 45 आएगा और 45 को हम 7 से करेंगे 3/4 आ जाएगा, 3/5 एंगल ले लेते हैं। तो यहां से हमने कहेंगे 7π/4 एंगल ले लिया, तो इसका आंसर क्या आएगा? 7π/4 आएगा। अब हम चेक कर सकते हैं कि 7π/4 कोस की रेंज में लाई, कोस इनवर्स की रेंज में लाई नहीं कर रहा। 7π/4 डज नॉट लाई इन द रेंज ऑफ कोस, जो कोस की रेंज में लाई नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे? वी विल ट्रांसफॉर्म द गिवन एंगल इन द रेंज ऑफ कोस इनवर्स। हम क्या करेंगे? जो कोस इनवर्स हमारा है, हम इस एंगल को इस रेंज, इसकी रेंज में चेंज कर देंगे। कोस इनवर्स की रेंज क्या है? 0 से लेके 5 तक। तो मुझे कुछ
कुछ इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करें कि उसका आंसर क्या है, जीरो से लेके फाइव तक आ जाए। तो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको। क्या है cos cos 7π/4 लिख सकते हो मैं 2π - π/4, क्योंकि जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 7π/4 ही आएगा। 8 - π/4 कितना आएगा 7π/4 आएगा, मतलब मैं 7π/4 को 2π - π/4 राइट कर सकता हूँ। तो यहां से क्या आएगा cos इनवर्स, हमें पता है कि cos 360 - थीटा, 360 - थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्या आएगा cos 5/4 आ जाएगा, cos से cos कट जाएगा तो क्या आएगा π/4 आएगा, और π/4 हमें पता है कि किसकी रेंज में लाई कर रहा है, cos इनवर्स की रेंज में लाई कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आ गया π/4 आ गया। मतलब हमें चेक करना है जितने भी ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स वाले, ये कहीं ना कहीं हो सकते हैं कि उसकी रेंज में ना आए, हो सकते हैं कि उसकी रेंज में हो, जो उसकी रेंज में नहीं होगी तो हमें उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे जो हमारे पास उस ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स की रेंज रहेगी। ओके।